तो हे दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। मैं हूं टीएस ब्लॉग्स और आज की ब्लॉग में मैं बनाऊंगा खाना। जी हाँ दोस्तों, तुमने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि मम्मी गई है बाहर काम पे और कुछ बना के नहीं गई क्योंकि उनका टाइम नहीं हुआ। सो इसलिए अभी मुझे लग रही है बहुत जोर से भूख, तो फिर मैंने फोन पे मम्मी से रेसिपी पूछ ली। एंड रेसिपी पूछने के बाद मैंने सोचा क्यों ना हम खुद ही बना ले, क्योंकि यार भगवान ने दो हाथ दिया है, इतना कुछ दिया है, दिमाग दिया है, सब कुछ दिया, तो खुद ही बना लेते हैं आज। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। और मैंने सोचा कि मेरे साथ क्यों ना तुम भी सीखो कि कैसे बनाया जाता है खाना, क्योंकि यार एवरी टाइम हमारी मम्मियों को टाइम नहीं मिलता है खाना बनाने का, कभी कभी उनका मन नहीं होता है या फिर कभी कभी वो बीमार होती है। सो तब तुम्हारे लिए ये रेसिपी बहुत काम आने वाली है। और एक बात मुझे पता है कि तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं इतने दिनों से कहा था और ये पीछे क्या है। हाँ, ये पीछे मेरा घर है, नया घर। अच्छा। और मैंने रिसेंटली अपना रूम शिफ्ट किया, एंड रूम शिफ्ट करते समय मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉग बनाऊंगा, बट तुम्हें पता है ना कि रूम शिफ्ट करते समय ना झोल झमेला रहता है, तो आदमी कैसे ही ब्लॉग बनाएगा उस समय। नहीं तो मेरी मम्मी अगर मेरे को देख लेती ब्लॉग बनाते हुए, टाट से चाटा आता मेरे पास और कुछ नहीं। तो अभी बकवास बातें बहुत हो गई, बकवास बातों को साइड में रखते हुए हम अपना बनाते हैं खाना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे दाल, मतलब सिंपल सा दाल तड़का। ओके, दाल मतलब हम बनाएंगे घुगनी। घुगनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कुछ चने और आलू और मिर्ची काट कर मैंने इन्हें बॉईल कर लिया, और फिर मैंने इस तरफ एक कढ़ाई ले ली है, और कढ़ाई में हम सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा तेल। तो जब तक ये कढ़ाई गर्म होता है तब तक हम कुछ पुशअप्स मार लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, अरे मेरा कढ़ाई। तो कढ़ाई में तेल डालने से पहले हमें कुछ सब्जियां काट लेनी पड़ेगी। भाई बाल बाल बचे। तो अभी हम गरम कढ़ाई में डाल देंगे तेल, गिर जा। फिर हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, और अभी इसमें डालने जाएगा ये प्याज। मेरे को बहुत डर लग रहा है यार। आलू बना लो, मैं डर नहीं रहा था, दिखा रहा था, मतलब ऐसे घुमाया जाता है, ये डर नहीं था। तो अभी हम इसमें देंगे थोड़ा सा पानी, और पानी देने के बाद कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम देंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी, फिर उसके बाद धनिया पाउडर, फिर हम आखिर में देंगे नमक, नमक स्वाद अनुसार, और उसके बाद हम देंगे मिर्ची पाउडर, जो कि ज़्यादा डाल दिया क्या। ये सब डालने के बाद आराम से इसको मिक्स करने का, और फिर कुछ देर के लिए रख देने का। तो सब कुछ तो हो ही चुका है, अभी बारी है इसे चखने की, नमक है कि नहीं। दोस्तों ये बहुत ही सुंदर बना है देखने में, बस मिर्ची बिल्कुल भी नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं। तो बस अभी इसको ऐसे बंद कर देने का, बाकी सब तो ठीक है। अभी बस मम्मी आएगी और उसको खाएगी, मतलब चखेगी, और अगर चखने के बाद ना हमारे पास। तो मम्मी के आने के बाद उन्होंने खाना ट्राई किया, एंड उसके बाद मतलब कुछ ऐसा हुआ मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता ऑन कैमरा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट ब्लॉग में।